back to your English online class. Today we are going to learn about as. Yes, as we have started conjunction, so today we are going to learn about conjunction as. अब as का meaning हिंदी में आप कह सकते हैं जैसा और as जो है ये adverb में as a adverb भी use होता है ठीक है so अब first है in the way in which कहाँ as use होता है काम के तरीके को बताने के लिए यानी कोई काम किस तरीके से हो रहा है वो बताने के लिए वी विल यूज एज ठीक है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा कि आप पेन से लिखेंगे ठीक है तो अब इसे कैसे इंग्लिश में लिखेंगे कि यू रोट यू रोट एज आई सेड जैसा मैंने कहा वैसा आपने किया आपने लिखा यू डिड एज आई सेड या ही डिड एज आई सेड यानी कि उसने वैसा किया जैसा कि मैंने कहा यानी काम का तरीका बता रहे हैं कि उसने वैसा ही कहा जैसा कि मैंने कहा आई टॉट आई टॉट दम एज आई वोज आस्ट यानी कि मैंने पढ़ाया जैसे कि मुझे एज आई वॉज आस्ट जैसे कि मुझे कहा गया सो so, यहाँ पे क्या बता रहे हैं येस yes, काम के तरीके को अब मान लो आप यहाँ पे एज हटा के ये लिखते हैं अगर कि आई टॉट हिम आई टॉट हिम इन द वे इन विच आई वॉज आस्ट सो नाउ इट इज क्लियर ना इन द वे इन विच आई वॉज आस्ट यानी तरीका बता रहे हैं कि मैंने पढ़ाया जैसे कि मुझे कहा गया नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल विराट कोहली प्लेड जस्ट एज ज कोच सेट विराट कोहली प्लेट जस्ट एज हिज कोच सेट जैसा कि उसके कोच ने उन्हें कहा खेलने के लिए ही प्लेट सो यहां काम का तरीका बताया जा रहा है ठीक है तो हमने यहां पर क्या यूज किया एज क्या यूज किया एज काम के तरीके को बताने के लिए नाउ नेक्स्ट इज एज का और कहा यूज होता है टू स्टेट द रीजन फॉर समथिंग यानी कारण बताने के लिए रीजन बताने के लिए एज ही वॉज नॉट वेल आई डिड नॉट डिस्टर्ब हिम जैसे कि वो क्या ही वॉज नॉट वेल सो मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया तो एज ही वॉज नॉट वेल आई डिड नॉट डिस्टर्ब हिम यहाँ रीजन बता रहा है कि क्यों नहीं डिस्टर्ब किया एज ही वॉज नॉट वेल कि वो वेल well नहीं था एज हीज एज ही इज न्यू हेयर आई ही विल नीड यू अब यहाँ क्या रीजन है कि ही इज न्यू हेयर कि वो न्यू है सो ही विल नीड यू उसको तुम्हारी जरूरत पड़ेगी सो so, यह हम रीज़न बता रहे हैं अब आपको पता है कि बिकॉज एज का भी यूज रीजन बताने के लिए होता है बिकॉज भी हम रीज़न बताने के लिए ही यूज़ करते हैं बिकॉज लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है चलिए आइए समझते हैं ध्यान से सुनिए अब मान लीजिए मैं आपसे पूछती हूँ कि कल आप क्यों नहीं आए वाई डिड यू नॉट कम यस्टर वाई डिड यू नॉट कम यस्टरडे तो आपसे मैं एक्सपेक्ट करू की आप मेन रीजन बताएंगे कि आप क्यों नहीं आए तो यू विल सेल, यू विल टेल मी की आई डिड नॉट कम यस्टरडे बिकॉज आई वॉज इल बिकॉज आई वॉज इल तो यहाँ पे मेन बात क्या है कि क्यों नहीं आया बिकॉज आई वॉज इल क्योंकि मैं बीमार था तो यहाँ पे मेन कारण क्या है मेन बात क्या है कि आई वॉज इल यानी तो बिकॉज कहाँ आएगा जब उस कारण की वजह से कोई बात हुई हो यानी कि वो कल स्कूल क्यों नहीं आया बिकॉज ही वॉज इल क्योंकि वो बीमार था यानी मेन वजह क्या है कि वो बीमार था इसलिए वो नहीं आया उस मेन कारण उस मेन वजह की व, आ, उस कारण की वजह से ही मेन बात की वजह से ही इफेक्ट हुआ है रिजल्ट हुआ है कि वो इसलिए नहीं आया लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एज ही वॉज नॉट वेल आई डिड नॉट डिस्टर्ब हिम अब एज ही वॉज नॉट वेल आई डिड नॉट डिस्टर्ब हिम तो यहाँ पे मेन वजह क्या है आई डिड नॉट डिस्टर्ब हिम यानी यहाँ पे कह रहा है कि मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया क्यों नहीं किया ही वॉज नॉट वेल तो एज तब लगाते हैं जब हम रीजन में एक्स्ट्रा बता रहे हैं मतलब मेन कारण नहीं है आई डिड नॉट डिस्टर्ब हिम यानी डिस्टर्ब होने के कारण वो बीमार नहीं पड़ा बीमार नहीं हुआ ठीक है सो एज और बिकॉज में यही फर्क है कि बिकॉज में मेन बात ही वजह होती है मेन कारण की वजह से ही वो रिजल्ट हुआ होता है और एज में एक्स्ट्रा रीजन होता है जैसे कि एज ही इज न्यू हेयर ही विल नीड यू यहाँ पे मेन क्या है कि ही विल नीड यू उसे तुम्हारी जरूरत होगी अब ये इसकी वजह से ये नहीं कि वो नया है तो ठीक है तो ही विल नीड यू तो बिकॉज यहाँ पे अब बिकॉज में क्या था कि मेन उसकी वजह से वो इफेक्ट हुआ था इसमें इसकी वजह से इफेक्ट नहीं हो रहा कि एज ही इज न्यू हियर क्योंकि वो यहाँ नया है तो ही विल नीड यू तो उसको तुम्हारी जरूरत पड़ेगी अब मेन वजह ये थोड़ी ना है कि उसे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी इसलिए कि वो यहाँ पे वो नया है तो मतलब बिकॉज में क्या होता है मेन रीजन उस रीजन की वजह से वो काम हुआ हो। और एज में एक्स्ट्रा रीजन बता रहे हैं और दूसरा ये है कि एज़ जो है फॉर्मल वे में यूज़ होता है ठीक है और बिकॉज इनफॉर्मल में होता है आप एज में जो रीज़न बता रहे हैं इफ़ेक्ट आ रहा है वो आप कई बार होता है कि आप उसे ऑलरेडी जानते हैं उस रीज़न का आपको पता होता है जैसे कि एज़ आई एम अ टीचर एज आई एम अ टीचर तो आई एम टीचिंग यू या आई एम टॉकिंग टू यू तो यहाँ पे आपको पता है कि हाँ भाई ये हमारा टीचर है रीज़न आपको पता है कि हाँ ये मेरी टीचर है तो वो मुझसे बात कर रहा है या मुझे बता रहा है या पढ़ा रहा है ठीक है और बिकॉज मैं कहता उसी मेन रीजन की वजह से ही रिजल्ट होता है कि ही डिड नॉट कम बिकॉज ही वॉज इल वो इल था इसलिए नहीं आया मतलब वही मेन रीजन है ठीक है नाउ नेक्स्ट और कहाँ हम ऐड यूज करते हैं टू एड एन इन्फॉर्मेशन और विच यू हैव जस्ट सेट यानी कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए या जो भी बात आपने अभी कही है एज यू नो वी बिलीव इन क्वालिटी एजुकेशन जैसा कि आप जानते हैं वी बिलीव इन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कई बार होता है कि हम कहीं स्पीच दे रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं सम टाइम्स तो यू कैन स्टार्ट सेंटेंस एज यू नो एज यू नो ठीक है जैसा कि आप जानते हैं सो हेयर एज आई सेड अर्ली जैसा कि मैंने पहले कहा एज यू आस्ट अबाउट हिम जैसा कि तुमने उसके बारे में पूछा सो so, ये एड टू इंफॉर्मेशन टू एड एन इंफॉर्मेशन और विच यू हैव जस्ट सेड जो कि जैसा कि आपने अभी कहा वहां यूज करने करते हैं हम एज नेक्स्ट लास्ट वन वन इवेंट हैपन्स वाइल एनदर इज इन प्रोग्रेस यानी कि एक इवेंट तो हो रहा है और दूसरा शुरू हो जाता है जैसे कि दे अराइव एज वी वर लर्निंग आप अभी हम सीख ही देते हैं कि दे अराइव्ड वो आ गए एज आई वॉज स्लिपिंग द फोन रैंग जैसे कि अब आ, मैं सो रहा था तभी क्या हुआ फोन बज गया ये जनरली कई बार हो जाता है कि एक काम वन इवेंट हो रहा है तो दूसरा प्रोग्रेस में कि एज आई वॉज स्लिपिंग कि मैं सो रहा था कि तभी दूसरा हो गया कि फोन बज गया माई मदर कॉल्ड मी एज आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट यानी मैं एक काम कर रहा था दूसरा हो गया कि मैं पहले अभी क्रिकेट खेल ही रहा था कि मेरी मदर ने उसी दौरान बुला लिया माई मदर कॉल्ड मी एज आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट एज शी ग्रू ओ ओ ओल्डर शी गेन कॉन्फिडेंस जैसे कि वो बड़ी हुई उसमें कॉन्फिडेंस आ गया तो यानी वन इवेंट हैपन्स बाई अनदर इज इन प्रोग्रेस यानी एक काम हो रहा है तभी दूसरा इवेंट हैपन हो जाता है सो so, ये हमने सीखा एज का यूज करना कि कहाँ हम ऐज़ यूज करेंगे ओके okay, चिल्ड्रेन